क्या कहा? क्या कहा आपने? नौ भवों के स्मरण से उत्पन्न वैराग्य रस को पुष्ट करने के लिए युवराज नेमी कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत है कविवर दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला की 5वीं ढाल 12 भावना। सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन तें वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई इन चिंतत सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विध संसार असारा या मैं सुख नाही लगारा शुभ अशुभ कर्म फल दे दे भोगे जी एक ही दे दे सुत दारा हो या नसीरी सब स्वार्थ के हैं बीरी जल पाए जो जिय तन में
बस बसा दिते मैली नव द्वार बहे घिन कारी अस देह करे किम यारी चपलाई काते हैं आश्रव भाई आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने निरवेरे जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित नहीं विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीवनित भ्रमता अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत विरियापद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जबे जी अधारे तब ही सुख अचल निहारे नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। उसके लिए दिन बारी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक साथ है प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सवसाहूढम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। विषय बहुत हमारी दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मस्वरूप का परिचय करने के इच्छुक जीवों के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वह ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा का स्पष्ट निर्णय करें, क्योंकि सील को स्वभाव कहा गया है और स्वभाव से ही कहते हैं जो अस्पर्शी हो, अप्रभावी हो, जो पर के द्वारा प्रभावित भी नहीं होता और पर संयोग में होने पर भी वह अपने में पूर्ण सुरक्षित और निरपेक्ष होता है। इसलिए इस सील के जो महात्म की चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ने कभी विकार किया ही नहीं, आत्मा में कभी विकार हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी अनंत संसार परिपूर्ण जीव का क्यों चल रहा है अनादिकाल से, कि स्वभाव की खबर ना हो करके और पर्याय दृष्टि के कारण पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय मूढ़ है वह पर समय है, ऐसी पर समयता के कारण संसार परिभ्रमण चल रहा और उसमें पांच 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 पाप संधि विकार परिणाम कषाय या आपके अव्रत का भाव ये सब कारण गिनाए गए हैं। इसी बात को स्पष्ट तौर से और अपने जीवन में सील धर्म की आराधना करने की भावना से बात अपनी चलती है। कल जिस विषय पे विराम लिया था उस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य में कल जहाँ हमने राजवार्तिक जी ग्रंथ के आधार पर कुछ विषय देखा था, वहां एक उदाहरण आगे आता है कि जो मन है वो हाथी के समान है। कैसा होता है मन? हाथी के समान। यद्यपि देखा जाए तो जैसे हाथी है तो बलवान प्राणी, लेकिन विषयासक्त हो जाए तो अपना मरण भी न गिने। मतलब यदि विषय आसक्ति, स्पर्शन इंद्रिय के विषय की आसक्ति उसकी विशेष होती है, उस कारण यदि वह टोडरमल जी साहब ने तो ऐसा लिखा जैसे कुटनी, कुटनी मतलब झूठी हथनी, क्योंकि ऐसी बनाई जाती है, एक मूर्ति आकार रूप में बना दी जाती है, कागज पत्थरों से बना दी जाती, उसको देखकर उसे सत्य मानकर उसकी तरफ भागता है और बंधन में पड़ता है, ना केवल बंधन में पड़ता है अपितु मृत्यु तक को प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे मन जो है ये अत्यंत चंचल है, तो इस चंचल मन को क्या करना, इस संचल मन को संयमों की सांकल से बांध के रखना। क्या कह रहे हैं? संयम की सांकलों से बांध के रखना, अपने तत्व की दृष्टिकोण से उसमें जो विकार की तरफ भागने वाली परिणति उसमें सावधान रहना। इसलिए मन को हाथी की उपमा दी गई। स्नान भी करे हाथी नदी में सरोवर में उतर के, तो वैसे तो बाहर से पूरा स्नान करके शुद्ध हो जाए, लेकिन बाहर से निकलते ही से पहला काम क्या करेगा? पहला काम क्या करता है?
कि आते से ही सबसे पहले धूल उठा के अपने ऊपर डालता है। तो ये मन की ऐसी स्थिति है, यानी जैसे प्रसंगों में जाता है उस अनुसार परिणाम कर लेता है। वैराग्य प्रसंग आया, धर्म प्रसंग आया, तो वैसे परिणाम होने लगे। अरे ऐसा सुना ना, मसानिया वैराग्य होता था कि किसी के देह परिवर्तन हो जाता था और अंतिम दाहक्रिया आदि में गए तो वैराग्य भावना ऐसी लगे कि यही मुनि दीक्षा अंगीकार कर ले, और लौट के आए नहीं, वो घर घर का रास्ता दिखा नहीं, वो परिणाम बदल जाए। तो ये मन का कोई ठिकाना नहीं। तो वास्तव में ये जो मन है इसको नियंत्रण कैसे होगा, कि मन जो है इसका नियंत्रण तत्व विचार के बल पे संभव है। वस्तु स्वरूप का निर्णय यदि करें तो तत्व विचार के बल पर सब कुछ संभव है। जगत में ऐसी स्थिति है, सूरदास जो है ना, जिनको जन्मांध कहा जाता है, जहां तक मैंने सुना है जन्मांध नहीं थे सूरदास जी, ये बाद में अंधे हो गए और इन्होंने अपनी आंखें अपने हाथों से फोड़ ली थी। क्यों फोड़ ली थी? कि मैं जिन पदार्थों को देखता हूं तो देखने से विकार होता है, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, आंखें ही नहीं रहेंगी तो विकार नहीं होंगे। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाए, विकार का कारण मन है, आंख आदि नहीं है। क्या कह रहे हैं? विकार का कारण क्या है? मन। इसलिए मन को संभालने की प्रेरणा दी जा रही है। और मन को संभालना मतलब अभिप्राय परिवर्तन होगा तो तत्संबंधी परिणाम भी सुधरेंगे, क्योंकि जो परिणाम होते हैं उसके पीछे गुप्त क्रांति के रूप में अभिप्राय निमित्त कारण होता है। हमें तय करना है कि हमें वास्तव में सुखी होना है, संसार दुखों से मुक्त होना है, या हम सुखी हैं। यदि अंदर में अभी ऐसा 1% भी ये भाव है कि हम सुखी हैं, 1% भी, तो ये समझ लेना अभी अनंत संसार ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और ये भाषित होता है कि वर्तमान पर्याय की दृष्टि से हम देख रहे हैं और संसार परिभ्रमण को देखते हैं, तो मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है, तो पर्याय से दृष्टि हटाने के योग्य परिणाम और पुरुषार्थ चालू होगा। इसलिए यहाँ ब्रह्म स्वरूप की आराधना के अंतर्गत पंडित साहब उन बातों पे ध्यान आकर्षित करते हैं जो वास्तव में अब्रह्म का कारण बनती है, जो दुशील का कारण बनती है, जो चित्त को चलायमान करती है। ऐसे साधनों से, ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए। देखिए, कल जो विषय लिया था, कदाचित क्वचित धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर वीडियो, टीवी, सिनेमा, संगीत, सम्मेलन, नाटक आदि ना देखें और ना ही अश्लील जासूसी उपन्यास आदि पढ़ें, क्योंकि आज के परिवेश में यदि हम ये कह दें कि कोई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो कि हम टीवी पर धार्मिक चैनल देख रहे हैं, क्या यद्यपि धार्मिक चैनल होते कौन से, धर्म का कोई चैनल हो सकता है? धार्मिक चैनल कैसे होंगे? जो चीजें, क्रियाएं दिखाई जाएंगी, जो व्यवस्थाएं दिखाई जाएंगी, उसे व्यवहार धर्म के नाम पे बात कह दी जाती है, धार्मिक चैनल है। देखा जाए वहां पर भी जो चैनल संचालक है उसका उद्देश्य तो लाभ कमाना ही, तो वो कोई न्याय नीति सिद्धांतिक बातें नहीं करने वाला, वो ये करेगा कि कहां मुझे लाभ है, किसके प्रमोटर ज्यादा हैं, किसको देखने वाले लोग ज्यादा हैं, किसके प्रायोजक ज्यादा हैं, किसके लिए एडवर्टाइजमेंट मिल सकता है, वो उसको प्रमोट करेगा। सिद्धांत का पक्षधर थोड़ी ना होगा। तो एक तो पहली बात है, धार्मिक कोई चैनल नहीं। क्या हम भ्रम से कुछ नाम लेकर के ऐसे सोचते हैं, हम तो सब सुबह से टीवी चालू कर लेते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं और उसमें अभिषेक आता रहता है, पूजा आती रहती है, तो ये दिखता है, वो दिखता है। मैं कुल मिलाकर के सच्चे देवसाद गुरु के जिनालय हैं, हाथ पैर हैं, चलने फिरने की सामर्थ्य, वहां नहीं जाए, वहां देव पूजन भक्ति में स्वयं का उपयोग नहीं लगाए और प्रमाद चर्या पूर्वक ये कहे कि मैं तो वहां देख लेता हूं, तो निश्चित ही समझ लेना जब तक उपयोग स्व के प्रति सावधान नहीं होगा और देवसाद गुरु के प्रति सावधान नहीं होगा, ऐसी तर्क कुतर्क चलने वाले। इसलिए ऐसे प्रसंगों में, दूसरी बात, जिन चैनलों में चीज आएगी उसमें बीच में एडवर्टाइज मीडिया भी चलता है, एडवर्टाइज भी आती है। और आज तो एक कोई भी टीवी, आप सामान्य टीवी किसी की चलती होगी तो 100-200 चैनल तो मिनिमम होते हैं। आदमी का अभी बात करें ना, मन कितना चंचल है कि चले तो थे कुछ देखने, लेकिन थोड़ा समय को ब्रेक आया और उसने चैनल बदला और उपयोग बदल गया। अपने एक साधर्मी है, उन्होंने बताया कि बोले मैं पहले जूम में नहीं जुड़ता था, मैं यूट्यूब पे जुड़ता था। क्या कह रहे हैं? परंतु बोले एक दिन मैंने यूट्यूब में ऐसा देखा कि मैं प्रवचन तो सुन रहा हूँ, क्लास तो अटेंड कर रहा हूँ, और क्लास अटेंड करते करते अचानक नजर नीचे एक छोटी स्क्रीन पे पड़ी जहां पे कोई ज्वलंत घटना या न्यूज आने लगी थी। वहां ऐसा मैसेज आया, ये घटना घटी इस स्टेट में, ये घटना घटी।
थोड़ा मुझे उन जात उस संबंधी विषय का राग जाता है तो मेरा उपयोग वहां चला गया, वहां गया तो प्रवचन कब खत्म हो गया पता ही नहीं और मैं उसी में लगा रहा। ये मन की चंचलता का ठिकाना नहीं, इसलिए कहा जाता है ऐसे साधनों से बुद्धिपूर्वक बचना जो विकार के कारण होते हैं। इसलिए सिनेमा, संगीत, सम्मेलन, नाटक आदि ना देखें, अश्लील जासूसी उपन्यास आदि ना पढ़ें। मैं इस प्रसंग में एक बात कहूंगा, आज यदि माताओं बहनों को, मुझे तो खैर नाम भी नहीं पता है वो कौन से चैनलों में आता है, मैंने मतलब देखा नहीं है ज्यादा इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत आए तो ऐसे सुने थे ना, कुछ सीरियलों के नाम मैं सुनता था, सास भी बहू थी और पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे सीरियल जो आते थे, उसमें जितना भी रूपक प्रस्तुतिकरण किया गया है, चाहे वो सास का हो चाहे वो बहू का हो, या उनमें जो पात्र अभिनय है, वह पात्र अभिनय में कहीं भी नैतिकता के लक्षण नहीं दिखेंगे। आप देखना कषाय, मायाचारी, द्वेष, इसके अलावा कुछ नहीं, इसका कैसे बुरा करूं, इसका कैसे हित करूं, ऐसी चीजों को देखने पर अंतः परिणाम परिणति भी वैसी हो जाती। देखो कोई व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है या भला कर रहा है, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ऐसा भी होता है कभी कभी अपने हित के लिए सास को ये बात कही गई, सास ने अपनी बहू को कोई बात कही, लेकिन उसका अभिप्राय दृष्टिकोण उस नाटक से जुड़ा हुआ था, सीरियल से, तो उसको क्या देखने में आया, सास ऐसी ही होती है। डॉक्टर साहब तो प्रवचन की व्याख्या में ऐसा कहते हैं कि सास मतलब बहू के आते ही जिसमें कोई क्षारीय तत्व प्रकट हो जाए। क्षारीय तत्व, अब देखना यद्यपि वो किसी प्रसंग अनुसार व्याख्या की उनने, लेकिन उनको क्या क्या आभास होगा, क्षारीय तत्व मतलब अब इनको ऐसा लगेगा हमारे अंडर में कोई आ गया, हमारे को इसको इस ढंग से नियंत्रित करना है। हो सकता है वो योग्य परामर्श भी दे, योग्य सलाह दे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण विकृत हो गया, वो योग्य परामर्श भी हमें कष्टकर लगने लगे, द्वेष परिणाम आ जाए, उनके प्रति बुरा परिणाम होने लगे, कषाय पनपने लगे, यहां तक घर टूट जाए। इसलिए ऐसे प्रसंगों से, ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे चैनलों से बचना ताकि उपयोग भ्रष्ट ना। आगे पॉइंट आया 109 नंबर का, इसी से जुड़ा हुआ है, अखबार और लौकिक पत्रिकाएं आदि भी प्रसंगवश देख लेना अलग बात है, इसके व्यसनी ना बने। यद्यपि ये भूमिका अनुसार की व्यवस्थाएं हैं, गुरुदेव श्री ने तो इस विषय में ऐसा कहा कि तुझे प्रातः काल उठते, आपने जिनन दर्शना की पुस्तक में कोटेशन पढ़ा हुआ कि तुझे प्रातः काल उठते ही है ना, स्त्री, पुत्र, पत्नी, न्यूज़पेपर, अखबार, ये सब तो याद आते हैं, वो देवशास्त्र गुरु स्मरण में नहीं आते हैं, तो तू स्वयं विचार करना कि तेरी परिणति किस ओर जा रही है। कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, पेपर पढ़ने की हैबिट ऐसी होती, पेपर ना मिले तो बहुत आकुलता। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे, पेपर भी चाहिए और चाय भी चाहिए, वो कहो उसके लिए 2 घंटा इंतजार करते हैं, 10 बार बाहर जाके देखें पेपर वाला क्यों नहीं आया, आज पेपर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, बोले ऐसी आसक्ति। और आप विचार करना, आद्योपांत पेपर का वांचन कर लिया, कम से कम मुझे लगता है अगर वह समय सार के उतने प्रश्नों का मूल्यांकन किया है तो 50 प्रश्न होते होंगे आज के एक दिन के पेपर में कम से कम। तो जिनवाणी पढ़ने का भाव ना आए और वो रोजनामचा पढ़ने का भाव आए जिसमें एकमात्र सांसारिक, राजनीतिक, सामाजिक और संसार की व्यवस्थाओं संबंधी चर्चा ही है, तो ये विकल्प जाल को बढ़ाएगी कि घटाएगी? हाँ, घटाएगी कि बढ़ाएगी, निश्चित बढ़ाने वाली है। तो प्रातः काल होते ही जब उपयोग सावधान होना चाहिए उस समय में, तो विकल्प और विकार को दिमाग में भर लिया तो फिर दिन भर कैसा जाने वाला है, वैसे ही जाने वाला। इसलिए कह रहे हैं इसके व्यसनी ना बने, कहीं प्रसंग अनुसार कहीं कोई बात हो तो अलग बात, अन्यथा इसके व्यसनी नहीं बनना चाहिए। कई बार लोग ऐसे तर्क भी करते हैं, साहब उसमें बहुत अच्छी जानकारियां भी आती हैं, बहुत अच्छी बातें आती, जिसे गुण ग्राहकता होती है ना, उसे गुणों का ग्रहण करने के लिए साधनों की मोहताजता नहीं होती, उसे वह चीज कहीं से भी प्राप्त हो सकती, कहीं से भी, क्या कह रहे हैं। और जिसे
प्रसंग अनुसार या अपनी बुद्धि अनुसार ऐसा कथन करने की प्रवृत्ति होती है, वो किसी विषय को आधार बनाता है ऐसी चीजों के लिए। इसलिए यहाँ पे पंडित जी ने कहा कि लौकिक पत्रिकाएं अखबार आदि भी प्रसंग अनुसार देखना पड़े तो अलग बात है, अन्यथा व्यसनी नहीं होना। आगे 110 नंबर का पॉइंट, सील विरुद्ध कोई भी सामग्री अपने कक्ष में दूसरे की भी ना रखें। देखो बहुत अच्छा पॉइंट दिया, जैसे चोरी का, एक तो चोरी करना अपराध और चोरी का माल अपने घर में रखना क्या कहलाएगा, वो भी अपराध। ऐसी सामग्री किसी की भी नहीं रखना जिसमें शंका, क्या कह रहे हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज हो जो सील विरुद्ध हो, नशाकारक हो, अभद्र वस्तु हो, यानी कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपसे कहे ये हमारा सामान है हम छोड़ के जा रहे हैं, और क्या कहते हैं थोड़ी देर ध्यान रखना, तो नकार कर देना भला है वनस्पति की उस चीज को अपने पास रखना। आपको मालूम है जो ये सब ड्रग्स सप्लायर वगैरह होते हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं और इसके सरगना होते हैं, इनका तरीका क्या होता, ये अनजान व्यक्तियों का प्रयोग इस कार्य के लिए करते हैं, अपनी सामान उनको पकड़ा दिया और साथ में चल रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे तरीके से कि ताकि यदि फंसे भी तो कौन फंसे। ये बड़े पंडित साहब ने इस चीज को संकेत किया, ऐसे सूटकेस अटैची झोला भी किसी का अपने जिसका जानकार ना हो और जिसमें ऐसी वस्तु जो शंकास्पद हो तो अपने घर में रखना नहीं। क्या कह रहे हैं, लौकिक नीति से कैसा लगता होगा ये सब, कैसी अव्यवहारिक टाइप की बात लगती होगी, है दुनिया वाले क्या सोचेंगे, जरा भी सहयोग की भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। आप विचार तो करो, हजारों वर्षों का आपका सील आपके एक दिन के, हजारों वर्षों का चरित्र आपके एक दिन के वर्ताव पे टिका होता है। एक दिन में अगर आपके ऊपर ब्लॉट लग गया, चरित्र पे ब्लॉट लग गया, आप चाह करके भी उसका निरापद नहीं कर सकते, उसका निराकरण नहीं कर सकते। हाँ बात कही थी ना, रावण के जीव के ऊपर जो चरित्र का सील का दूषण लगा है, यह सील का दूषण ना जाने कब तक लोग स्मरण करेंगे। हो सकता है जैन परंपरा अनुसार हम तो ये बोल रहे हैं कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, बनेंगे आगामी 24 में, हाँ, लेकिन मिथ्यात्व पोषण वाले जीव तो हो सकता है कभी ऐतिहासिक तथ्यों को याद करें तो रावण को वैसे ही देखें। तो दोष तो एक छोटा सा एक दोष था, लेकिन वह दोष कब तक रहेगा, ये दीर्घकालीन तक रहेगा। इसलिए ऐसी सावधानी रखना जिससे अपने चरित्र या सील पर दोष न लगे। और बहुत अच्छा पॉइंट, अनुपयोगी सामग्री ले ही नहीं, 111 नंबर का पॉइंट आता, अनुपयोगी सामग्री ले ही नहीं। देखो एक तो परिग्रह सीमांकन की प्रेरणा शुरू से दी जा रही है, क्या परिग्रह सीमांकन की बात शुरुआत से चल रही, और यहाँ पे कह रहे अनुपयोगी सामग्री लेना ही नहीं। हाँ पहले के समय में मुझे याद है जो घर में बलुए होते थे ना, बलुआ मतलब माताओं बहनों को बुलाते थे, उनको उनके यहाँ बलुआ कहते हैं इस तरफ, है ना, बलुआ मतलब उनको बुला के, तो पहले कटोरी प्लेटें बटती थी, छोटी छोटी कटोरियां हैं, प्लेट हैं, डिब्बा है स्टील का डिब्बा ऐसा, तो वो, और ऐसे हुए समाज में तो समझ लो महीना में 2-3 बलुए तो सामान्य, मुझे अच्छे से स्मरण है इतने तो मैंने देखे, और छोटे शहरों में तो ज्यादा ही होते हैं। हाँ तो वो कटोरी प्लेट डब्बा डब्बी किसी और की क्या कहें, हमारी बुआ दादी थी ना, तो जब उनकी बाद में एक बार एक पेटी हमने खोली थी आखिरी में, बाद में जो उनकी तखत के नीचे दबी रहती थी, उसमें इतनी प्लेटें निकली, इतनी डब्बा डब्बी निकली जिसका ठिकाना, तो कहाँ की थी वो, सब बलुआ में मिलती थी ढेर सारी। हाँ उपयोग उपयोग कुछ नहीं कर पाया जी, लेकिन संग्रह का एक भाव आता है, मुफ्त में तो मिल रही है क्या दिक्कत है, जो अपने उपयोग की नहीं है उसे पूर्णता निषेध कर दे। क्या कह रहे हैं, देखो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जिनवाणी लेना है, अध्ययन करने का भाव है, साज संभाल करने का भाव है तो लेना, अगर आप उसकी साज संभाल नहीं कर सकते हो तो जिनवाणी मुफ्त में दान में वितरण में भी मिले तो नहीं लेना। यद्यपि लेने का भाव तो होना चाहिए, और लेने का हो तो अपनी खुद की शक्ति सामर्थ्य अनुसार चाहिए, लेकिन बहुतायत नहीं, तो आपने देखा आजकल जितनी घरों में जिनवाणी नहीं होती, लोग अपने घरों की जिनवाणी लाके मंदिर में रख देते हैं। क्यों, अब वो वैराग्य प्रसंग में मिली थी, तो इस प्रसंग में मिली थी, तो क्या करें, कोई पढ़ने वाले तो है नहीं, तो ली क्यों थी आपने, उसी समय निषेध करना था ना,
है? नहीं, उनको बुरा लग जाता, अरे उनको बुरा लग जाता और जिनवाणी की अभिनय की, उसकी संभाल नहीं की और अपने घर से माँ को निकाला, इसमें तेरा बुरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो जो उपयोग नहीं हो जिस वस्तु का, उसका संग्रह ही नहीं करना। और ब्रह्मेश्वर की आराधना है ना, उसमें तो सीधी सी बात है, पांच इंद्रिय विषयों की आसक्ति घटाने की बात है। जो सामग्री, जो संसाधन विकार के कारण हो, उनका संग्रह करना ही नहीं चाहिए। और उसमें सभी तरह से लगा लेना, परिग्रह 24 भेद के अंतर्गत जो बाह्य परिग्रहों की चर्चा है, वहां से सीमांकन चालू करें। कहां से चालू करना है? बाह्य परिग्रह हर चीज का, वस्त्र का, धन का, मकान का, गाड़ी का, सभी तरह का सीमांकन का परिणाम अपने जीवन में होना चाहिए। देखिए, अनुपयोगी सामग्री ले ही नहीं, उपयोगी सामग्री भी कब, कहां, किससे, कितनी इत्यादि विचार कर विवेक पूर्वक अनासक्त भाव से ही ले लें। उपयोगी भी हो तो भी सीमित ले, मर्यादित ले, असीमित लेने का भाव नहीं करें। हाँ, क्यों, मैं बोलूं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, मेरे यहाँ खुद शाश्वत है, वेदई है, तो मुझे एक चीज स्मरण आती है इन बच्चों को देख के। मैं यद्यपि कुछ चीजों में हो सकता है किसी के गले ना भी उतरूं, ये भी हो सकता है, लेकिन वो मेरा दृष्टिकोण है इस आगम पद्धति के अनुसार। हम लोग जब बचपन में पाठशाला पढ़ते थे, हमें पाठशाला के आकर्षण के लिए ट्रॉफियां दी जाती थी, ट्रॉफियां। वो कौन सी ट्रॉफी? वो संतरे की गोली आती ना, पीपरमेंट वाली, वो खिलाते थे। तो वो देते थे, वो भी कैसे देते थे, सप्ताह में एक दिन मिलेगी, दो दिन मिलेगी, पहले तो दो तीन दिन लगातार देते थे, उसके बाद में फिर बिना बताए देते थे, क्योंकि बता देंगे कि कल मिलेगी तो कल बहुत बच्चे आएंगे और बाकी दिन नहीं आएंगे, ऐसा होता था। तो फिर बताना बंद कर दिया गया, कभी भी मिल सकती है, जो रोज आएगा उसको टॉफी मिलेगी, बात ख्याल में। अभी उस संस्कार के बस में दौड़ लगाते थे, भागते थे, छोटे छोटे थे, पहुंचते थे पाठशाला, पाठशाला जाएंगे टॉफी मिलेगी। थोड़े बड़े हुए, जब ये बात समझ में आने लगी, या तो समझाने लगे या सब समझ में आने लगी, तो स्वयं निषेध करने की आदत आ गई, हमको नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को दे दो, हमको नहीं चाहिए, छोटों को दे दो, बात ख्याल मेरी। मैंने एक उस चीज से एक बात सीखा कि भले लोभ वशात जोड़ा गया था, लेकिन ज्ञान करा दिया गया था तो वह लोभ का त्याग हो जाता था। लेकिन आज के परिवेश में हम किसी भी आयोजनों में पुरस्कारों की भरमार रखते हैं, ज्ञान की प्रमुखता को ओझल कर देते हैं। हाँ, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, यद्यपि इसी इसे कोई व्यक्तिगत रूप में ना ले, मैं किसी के कार्य की निंदा नहीं करने बैठा, लेकिन जब हम कोई आयोजन करते हैं तो आयोजन का प्रयोजन क्या होता है, चाहे वह धार्मिक प्रतियोगिताएं ही क्यों ना हो, उसमें ज्ञान की वृद्धि होना चाहिए, क्षेत्रोपम की वृद्धि होना चाहिए, कि विशुद्धि और वितरागता की भावनाएं बननी चाहिए। हाँ, अब प्रतियोगिताएं हैं, अच्छे बड़े बड़े पुरस्कारों का विकल्प आ जाता है, उसमें सारा उपयोग लगा देगा, ग्रंथों को खोलेगा, इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, और ये भाव लगा रहेगा नंबर मेरा लग जाए, कम से कम इसके साथ साथ वो करे तो करे, इसके साथ एक ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय आत्मार्थ की भावना से कर ले तो ज्यादा लाभ होगा कि नहीं। कि अपन कोई 2000, 5000, 2100, 5100 पुरस्कार के मोहताज लोग हैं ना? और मैं तो इसमें एक बात कहता हूं, करना है तो करो, चलो अभ्यास की दृष्टिकोण से करो, ये भी तो कह सकते हैं हमें पुरस्कार की जरूरत नहीं, हमारा नंबर आए तो छोटे बच्चों को या दूसरों को प्रोत्साहन में दे देना, हमें नहीं चाहिए, बात ख्याल में आ रहा है। हाँ, मैं इस विषय में कई जगह व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बोलता भी हूँ, मुझे नहीं जमती तो मैं टोंकता हूँ। मेरे घर में पाठशाला में बच्चों को खूब पुरस्कार देते थे, छिंदवाड़ा में बहुत पुरस्कार देते, पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, ढेर, मतलब डिब्बे भर गए, डिब्बे, क्या डिब्बे भर जाते। अब बच्चों को तो क्या रहा, मेरा है, मेरा है, मेरा, यानी हम उन्हें धर्म के क्षेत्र में जाकर के भी परिग्रह के आसक्ति को बढ़वाना सिखाना चाहते हैं कि समता धारण करना सिखाना चाहते हैं, कि नहीं साहब लोभ नहीं देंगे तो आएंगे ही नहीं। गजब की बात है, उनको लोभ की प्रवृत्ति पड़ गई तो वो कब आएंगे। हाँ, हमें मालूम है, बचपन में परीक्षाओं के दिन भी होते थे तब भी हम लोग पाठशाला जाते थे, परीक्षा के दिन भी, यानी फाइनल एग्जामिनेशन टाइम पर भी। और आजकल स्थिति है, पहले ही छुट्टी कर दी जाती पाठशाला,
वो एग्जाम टाइम है, हमारे बच्चे नहीं आ सकते, पाठशाला की छुट्टी कर दो। गजब की बात है, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान के संस्कार की छुट्टी कर दो और लौकिक पढ़ाई के लिए समय है, उसके लिए जागृति है। निश्चित ही अनुपयोगी का संग्रह करने का भाव है, उपयोगी का त्याग करके बैठे। क्या कह रहे हैं? इसलिए पंडित जी कह रहे हैं अनुपयोगी सामग्री ना लें, जो उपयोग में नहीं हो ना लें। अपने बच्चों में भी ये संस्कार हमको डालना चाहिए, अपने को लोभ वसात कोई काम नहीं करना। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान से बढ़कर के कोई उपहार ही नहीं होता। हाँ, तो निश्चित ही ये बात एक आराधक के जीवन में होनी चाहिए बहुत। लेकिन नैतिकता की और पारमार्थिक मोक्ष मार्ग में इन सब चीजों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक आदर्श समाज या आदर्श परिवार या आदर्श व्यक्तित्व तो गुणों से ही पहचाना जाता है। इसलिए ये सारी चर्चा यहाँ हो रही है। बच्चे भी बैठे हैं और सब ऐसे बच्चे हैं जो योग्य हैं, जिनको हम एक बार बोल सकें तो हाथ उठा के बोल सकेंगे, भक्त नहीं। दिव्यता जैन वाले यहाँ 3 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, दिव्यता जैन नंबर से। आवाज आती बेटा? हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? आती है? पाठशाला पढ़ते हो आप? पाठशाला पढ़ते हो? रुको एक मिनट, आपका माइक अनम्यूट करते हैं। हाँ, आपका अनम्यूट करो भाई। बहुत अच्छा, पाठशाला पढ़ते हो आप? हाँ, कहाँ? सिंगोड़ी से है ना? हाँ, हैदराबाद के बच्चे। बहुत अच्छा, पर मुझे तो लगा सिंगोड़ी से। कोई बात, आप पाठशाला पढ़ते हैं ना? एक अपन पाठशाला में पाठ पढ़ते हैं, भक्त नहीं बोलते हैं, भगवान बनेंगे। तो बोला जाता है ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, है ना? और भी बच्चे हैं, मुझे बच्चों को देख के एक नारा याद आता है, एक नारा याद करा देते हैं। हिंदी के अंक आते हैं आपको, तो गुणा बोलते हैं ना, गुणाकार, अपन पहाड़ा पहाड़ा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखो क्या बोलेंगे हम, 2 एकम 2 2 दूनी 4। आपको क्या कहना है? मोक्ष के लिए सदा तैयार। हम बोलेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4। आपको क्या बोलना है? मोक्ष के लिए सदा तैयार। अब बोलिए 2 एकम 2 2 दूनी 4। सदा तैयार। कब तैयार? सदा तैयार। बहुत अच्छा, चलिए बच्चे दिख गए थे, इसलिए थोड़ा सा बच्चों की दृष्टिकोण से भी चर्चा आनी चाहिए। वास्तव में इनका जो मन होता है ना, वो इतना सहज सरल होता है, ये बहुत जल्दी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, बहुत सरलता से स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए तो निर्ग्रंथ मुनिराज की तुलना जन्मे हुए बालक से की गई। किससे की गई? जन्मे हुए बालक से। दिगंबर मुनिराज का मन कैसा है, दिगंबर मुनिराज की मुद्रा कैसी है? जैसे जन्मा हुआ बालक निर्लेप होता है, विकार रहित होता है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। विकार तो बाहरी परिस्थितियां उनमें डाल देते हैं। क्या कह रहा है? उन्हें वैसे संस्कार ना मिले तो वो विकार रूप उनकी परिणति हो जाती है। चलिए, थोड़ा बच्चों को दिख गया था तो मैं उस तरफ गया था, वापस लौटते हैं। और उनके स्तर पे बात है, सरल बात है, उन्हें समझ में आती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऐसा अभिनय कदापि ना करें जो राग वर्धक पद विरुद्ध हो, जिसमें प्रसाधन करना पड़े, जैसे जोकर, पति पत्नी, अपराधी आदि का पार्ट। अब देखना, चूंकि ब्रह्मचर्य की बात चल रही ना, नाटकों में ऐसा होता है। लेकिन आपने देखा होगा, कभी कोई नाटकों में ऐसे पात्र अभिनय करते हैं तो बच्चे ही आपस में उसको उस रूप में चिढ़ाने भी लगते हैं, चढ़ाते हैं। देखा आपने? नहीं देखा है? किसी ने कोई नाटक में पात्र का रूप अभिनय किया और उसको कोई डाकू बन गया और पूरा काला चेहरा कर लिया, काले कपड़े पहन लिए। अब वो मान लो है तो बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, योग्य है, सब कुछ है, लेकिन बाद में उसके दोस्त मित्र हंसी मजाक में उसको चिढ़ाते हैं। बोलो, उसको वह चीज जो बोली जाती वो अच्छी लगेगी कि बुरी? ये बुरी लगेगी। यहाँ ऐसी प्रेरणा दी जा रही है, ऐसे पात्र अभिनयों में कभी करने का भाव नहीं रखना जो न्याय नीति अनुसार ना। क्या कह रहे हैं? बोले साहब, ऐसे तो नाटक ही नहीं होंगे। गजब की बात है, लोगों को तो बड़ी बड़ी उम्र में भी नाटक करने की आदत पड़ी रहती है। जैसे अब मैं उस डाइवर्शन लेकर के उस बात की तरफ आता हूँ। एक बार विवाह हुआ था,
वह उस समय भूमिका थी, उम्र का पड़ाव था, कमजोरी थी, उस दशा में विवाह किया था। अब 50 साल की उम्र में भी सालगिरह मना करके नाटक करना जरूरी है क्या? हाँ, बात ख्याल में आती। 50 साल बीत गए, 50 सेंस वो आ गई, 25 भी हो गई, 50 भी हो गई, अब पूरी समाज के सामने, बाल बच्चों के सामने, हैं, छोटे छोटे परिवार परिजनों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, और फिर सालगिरह मनाएं और एक दूसरे को माला पहनाएं और सबरे नाटक करें कि बोले साहब उस समय कर नहीं पाए थे ना, तो अब कर रहे हैं। ऐसे जीवों को ब्रह्म स्वरूप की आराधना समाधि भावना कैसे फलीभूत हो? इसलिए यहाँ पे कहा ऐसे नाटक नहीं करना। नाटक का मतलब सिर्फ वो अभिनय पात्र नहीं जो मंचों पे किया जाता है। संसार अवस्था में हर आदमी मुखौटा लगा के घूमता है, मोही के मुखौटे ही होते हैं, एक दिखने वाला अलग और एक छुपा हुआ अलग, है ना? कोई गीत सुना होगा, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, सुना है सगी? है, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, क्या कहना चाह रहे? ये वास्तव में अच्छा, हाँ, स्पॉटलाइट कर दी। असली चेहरा नहीं आ रहा था सामने, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्रेशन क्यों बदल जाते लोगों के। मुझे थोड़ी ना दिख रहा है कि कौन किसको देख रहा है, मैं अपनी चर्चा कर रहा हूँ। वो तो कोई को ऊपर से विकल्प आया, तब ध्यान आया कि मैं नहीं दिख रहा हूँगा आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसे अभिनव पात्र आदि भी प्रयोग ना करें जो राग वर्धक हो, क्योंकि इसका संबंध परिणामों से होता है। किससे होता है? परिणामों से। कुछ लोगों को मिमिक्री करने की आदत होती है, मिमिक्री, या वास्तव में वो अभिनव की दृष्टिकोण से तो कोई कहेगा कि बहुत अच्छी कला है, पर देखा जाए तो ये जो परिणाम है ये परिणाम योग्य परिणाम नहीं है, किसी की नकल उतारना। क्या कह रहे हैं? ये अच्छा लक्षण नहीं है नकल उतारने का। कुछ कुछ लोगों ने ऐसा भी प्रयास किया था, यद्यपि कोई होंगे बिरले, एक दो मैंने तो सुना है, देखा नहीं था। जैसे गुरुदेव श्री के जो अंदर से आ हा ऐसी आवाज आती थी, ऐसे कुछ लोगों ने, पिताजी बताते थे, एक दो जनों ने किया, और उनके निकटवर्ती रहे होंगे तो उनकी तो थी आदत, तो उन्होंने टोक दिया एक बार कि ये बताओ ये आवाज आती कहाँ से। हाँ, किन्नी साहब ये तो बहुत अच्छी बात आती तो निकल जाती है आवाज। हाँ, तो बोले ये गुरुदेव पे ही शोभा देती, क्योंकि वो सहज है, अपन ऐसा कोई प्रयास ना करें, वो बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ पर जितनी सहजता होगी उतना अच्छा। ऐसे रूपक नहीं धारण करना, ऐसे वेश धारण नहीं करना जो विदूषक जैसे हों। इसमें नाटक के अंतर्गत ये सब लेना, ऐसे वस्त्र आभरण भी नहीं पहनना जो कि संस्कृति अनुसार नहीं हो, आपके परिवेश के अनुकूल नहीं। आज की युवा पीढ़ी की तरफ से बात कहें तो दूसरों को देख देख के ऐसे आदर्श नहीं बनाना कि हम अपनी संस्कृति के विरुद्ध अपनी वेशभूषा तैयार कर लें। आज बच्चों में ये विकृति बहुत हो गई, बाल ऐसे दाढ़ियां रखने लगे हैं बच्चे, लड़के लोग। मैंने बताया था ना, नाटक बनारसी दास जी का नाटक करने एक पात्र खोजने में पसीना आ गया था, 52 पात्र थे, 52 में बनारसी दास जी किसको बनाए, ढूंढते ढूंढते थक गए। क्या कह रहा है? आखिर शर्त रखनी पड़ी थी कि उसी को पात्र बनने दूंगा मैं जो दाढ़ी का बलिदान करेगा। आप सोच सकते हो कैसे, अब ये क्या वेश है, क्या परिवेश है, बाल है तो लंबे लंबे करके घूमेंगे, ये कोई शोभास्पद चीज है? ये कोई दिगंबर जैनियों के बच्चे कहलाने जैसी स्थिति है? या हम अगर दिगंबर जैनी धर्मावलंबी भी, तो हमारा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? ये सभी चीजें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए आगे पॉइंट आता है, भाई बहनों को एक साथ यात्रा, सांस्कृतिक भक्ति आदि के कार्यक्रम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। देखो लौकिक जीवन में तो कोई टीका टिप्पणी कर ही सकता है, किसी के साथ कोई स्त्री पुरुष को साथ में घूमता देखे, बात करता देखे तो टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन मंदिर में, धार्मिक आयोजन में भी इस मर्यादा का यदि पालन नहीं होगा तो लोग ऐसे भी कुतर्क कर सकते हैं कि पता नहीं मंदिर में क्या होता रहता है, पता नहीं क्या बातचीत होती रहती, बहुत देर तक हंसते रहते, बातचीत करते रहते। आपको पता है सीता जी के जीव ने पूर्व में क्या किया था?
सीता जी के जीवन में, हाँ, जो सीता जी पे चरित्र का दोष आया था ना, वो ऐसे ही किसी परिणाम से आया था, लेकिन हम कहें कि उन्होंने वो कोई घटना प्रसंग देखी थी, उसमें ऐसा परिणाम कर लिया, ऐसा अपयश फैला दिया, जबकि वो थे कौन, मुनिराज और आरिका, और भाई बहन उसी मतलब पर्याय के थे, उनको देख के अपयश फैला दिया नगर में कि वो तो वहां वन में हमने उनको आपस में मंत्रणा करते देखा, बातचीत करते देखा, हाँ, उसके प्रतिफल में क्या हुआ कि सीता जी का अपयश हुआ, यहाँ तक तो बात अलग है, लेकिन सावधानी ऐसी रखना एक लौकिक नीति है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना कथनीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्ध भी हो ऐसा लोक विरुद्ध कार्य ना करना चाहिए ना कहना चाहिए, शुद्ध हो तो भी। हाँ, मैंने आपको एक प्रसंग बताया था, एक हम उम्र भाई बहन भी हो, कजिन भी हो, तो भी जब तक समाज इस रूप में आपको नहीं जानती कि सगे भाई बहन नहीं है, तो आप उस मर्यादा के अनुसार ही व्यवहार करें। और दूसरी बात, ये जो मन का विकार है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये तो वेद संबंधी उदय है, किसी का परिणाम कहीं विचलित हो जाए तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, इसलिए उपाय ही ये बताया, इन चीजों में सावधानी पूर्वक वर्तन करना ही चाहिए। अभी मंदिर की प्रसंग में सावधानी पूर्वक वर्तन में एक बात और समझना, जैसे माताएं बहनें हैं तो दर्शन आदि करती हैं, तो इस मर्यादा का ध्यान रखें कि पुरुषों के समक्ष, चूंकि पुरुष पूजा भी कर रहे होंगे, पीछे भी खड़े होंगे, दर्शन भी कर रहे होंगे, तो ये बात हमने देव दर्शन की विधि में भी शायद चर्चा की थी, गवासन के द्वारा ही बहनों को दर्शन करना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मचारियों बहनों का या आरिका माताओं का ही आसन है, जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें गवासन में ही दर्शन करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे पुरुष लोग करते हैं, साष्टांग प्रणाम अभद्र है, अशोभनीय है, और वो वास्तव में सील विरुद्ध आसन कहलाता है स्त्रियों की दृष्टिकोण से, तो इसलिए उनको कहा गया है गवासन में ही दर्शन करने का विधान, पैर दोनों एक तरफ मोड़ के पूरा बैठ करके और फिर झुक करके विनय करनी चाहिए, ये उनके लिए स्त्रियों के लिए, क्योंकि विकार उत्पत्ति का कारण कुछ भी बने, किसी के लिए भी बने, तो हम उसमें निमित्त नहीं बने, इसकी सावधानी अपनी होनी चाहिए। देखिए मंदिर की मर्यादा के अंतर्गत ये पॉइंट अपन ने देख रहे हैं, अकेले विशेष आकर्षक स्वर्ग में मंदिर आदि में भी ना गावे। देखो युगल जी साहब इस विषय में बहुत सख्त विरोधी थे, मंच पे माताओं बहनों का भरी सभा हो, पुरुषों की सभा हो, तो माताओं बहनों का संचालन स्वीकृत नहीं था, युगल जी साहब, मैंने शिखर जी तक में देखा था उनको, भरी सभा में उन्होंने रोक दिया था इस कार्यक्रम, क्या अपनी बहू बेटी भी हो तो नहीं। अब यद्यपि दुनिया में किसी को ऐसा लग सकता है ये तो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना चाहते, समानता की दृष्टि से नहीं देखते कि समानता नहीं उचित सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कहीं पे कोई उपसर्ग आ जाए, ये सम्मान परिणाम, इसलिए कहा कि ऐसे एक एक अकेले खड़े होकर के भी बहुत अच्छे स्वरों आदि में ऐसी प्रस्तुति करने का भाव नहीं रखना जिससे सभी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाए। अब जब गायन का निषेध हुआ तो नृत्य आदि की तो बात आ ही नहीं सकती। इस विषय में पंचकल्याणक प्रसंगों में भी बहुत चर्चाएं आती हैं, क्योंकि मुझे तो गीत लिखने का प्रसंग के लिए प्रेरित किया जाता ना कि गीत लिखो आप, गीत लिखो, तो उस संबंध में चर्चाएं भी आती थी, तब मैं भी उस विषय में अपना मत रखता था, मेरे यहाँ पिताजी भी इस विषय में अपना मत रखते थे, बड़ी बच्चियां तो होना ही नहीं, चाहे अष्टकुमारी हो या छप्पन कुमारी, बड़ी तो होना ही, बहुत छोटी छोटी बालिकाएं हो तो चलेगा। तो कोई कहे अरे वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कार्यक्रम अच्छा नहीं दिखेगा, तो बोलते हैं कार्यक्रम की अच्छापना काय से निर्भर करेगा, कार्यक्रम में संयम हो, वीतरागता हो, परिणामों की संभाल हो तो कार्यक्रम सफल है, कि कार्यक्रम में राग हो, रोचकता हो तो कार्यक्रम सफल है। सफलता किस विषय में, वीतरागता बढ़े तो सफलता है कि राग बढ़ जाए, परिणाम विकृत हो जाए तो सफलता है? हाँ, देखो आजकल आधुनिकता के द्वारा ऐसा प्रयोग किया जाता है, बताया जाता है, अब आपको 16 सपने 3D के माध्यम से दिखाए जाएंगे, हाँ? तो ये जगत जन को राग पड़ा है ना, आकर्षण नया नयापन का, इसलिए सब प्रयाग प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जो माँ को 16 सपने दिखे थे वो कौन से दिखे थे, 2D सपने दिखे थे कि 3D सपने दिखे, क्यों साहब, हाँ?
अब भजन तो गाएंगे वो ही अपन पर। सुनो जी माने देखे 16 सपने, जाने उनका हो जाने उनका फल क्या होगा। ऐसे एक बार मंच पे बैठे थे हम लोग, अब वो 3D सपने चल रहे, लाइट तेज ऐसा ऐसा ऐसा, अब उस लोगों का उपयोग यहाँ वहां जाए और भजन ये चला रहा था। तो मैंने पूछा बाजू में जो विद्वान बैठे थे, शायद गोधा जी थे जहां तक, मैंने कहा पंडित जी जाने इनका हो जाने इनका फल क्या होगा, हा? क्या फल होगा। वास्तव में जहां राग की धारा चलेगी वहां राग बुद्धि से ही काम चलता है, जहां वीतरागता की और समता की आराधना की धारा चलती वहां इन विषयों का निषेध ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो विरक्त पुरुष है वो ऐसे प्रसंगों से बचना चाहते हैं। क्या कह रहा है, या तो उसका पालन और नहीं होगा तो हम हट जाएंगे। बात ख्याल में आती, और सबसे अच्छा तरीका यही है, हटाना नहीं हट जाना। तरीका क्या है, हटाना नहीं हट जाना। योग्य निर्देश तो देना, समझा भी देना, समझ में आए तो भला और नहीं समझ में आए तो हम अपना बुरा नहीं करेंगे, मार्ग हमारे लिए खुला पड़ा हुआ है, हम उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। देखिए भक्ति में विभोरता तन्मयता अलग बात है, लेकिन गीत आदि की प्रस्तुतिकरण में अभिनय आदि करना ये शोभास्पद नहीं है, खासकर माताओं बहनों के लिए निषेध किया। इतने में भी यदि परिणामों में चंचलता या विकार होवे तो कुछ समय या पूर्णता उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। कई बार किसी कला के प्रदर्शन करने का भाव ऐसा प्रकट हो जाता है हमको लगता है यही बड़ा धर्म है। जैसे मैं आपसे कहूं यदि हमें गाना अच्छे से आता हो, भक्ति की रागें बहुत अच्छी आती हैं, हमारा स्वर बहुत अच्छा है, तो हमारा परिणाम क्या चलेगा। हर आयोजन में हमको अवसर मिले, लोग हमें स्मरण करें, हमें बोलें, तो हमारा रस कहाँ चला गया। हमारी भक्ति भगवंतों पे समर्पित रही, मार्ग पे समर्पित रही कि अपने राग पे समर्पित हो गई। राग पे समर्पित हो गई, वीतराग भगवंतों की भक्ति भी राग पे यदि समर्पित हो जाए तो लक्ष्य विहीन है। इसलिए ऐसे प्रसंगों में अपना आकर्षण प्रस्तुतिकरण नहीं करना। राजचंद जी का जीवन हम देखें इस विषय में बहुत आदर्श था। राजचंद जी साहब का जीवन, राजचंद जी कभी लोकेशणा में नहीं उलझे और उनके जीवन में जो क्वालिटी गुण थी उसको कभी भी उन्होंने प्रस्तुतिकरण करने का भाव नहीं रखा, क्योंकि गुणों की प्रस्तुतिकरण नहीं होती, गुणों का अनुग्रहण होता है, गुणों का कहना चाहिए अनुमोदन होता है, गुणों को ग्रहण करके उसका लाभ लिया जाता है, बांटे नहीं जाते गुण। इसलिए यहाँ पे कहा भक्ति में विभोरता तन्मयता अलग बात है, इतने पर भी यदि परिणामों में चंचलता है विकार होवे तो कुछ समय या पूर्णता उसका त्याग करना श्रेयस है। गुरु के समीप प्राश्चित तो ले ही ले, अगर ऐसी भूल हो जाए, ऐसे विकार हो जाए, ऐसा परिणाम आए कि अंतरोन्मुखता छूटती है और बाहर उपयोग बहुत जाता है तो गुरु के पास जाके अपनी बात कहें। वास्तव में देखा जाए धन्य है, भाग्यशाली है वह जीव जिनके ऊपर गुरुओं का हाथ है। क्या कह रहे हैं, जो कोई उन्हें पथ दर्शन कर सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, जो उन्हें दंड आदि विधान के द्वारा भी निर्दोष कर सकते हैं। आचार्य परमेष्टि के स्वरूप में टोडरमल जी ने लिखा है प्राश्चित विधि आदि से शुद्ध करते हैं आचार्य। क्या करते हैं, हैं योग्य जानते हैं तो दीक्षा देते हैं, प्राश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, आचरण व्रत पालन की प्रेरणा देते हैं। भाग्यशाली हैं वह जिनको ऐसे गुरु आचार्य मिलते हैं। देखिए नीति में ठीक कहा है कि रोग या शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, इनका उपाय प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है पंडित जी ने लिखा आखिरी में। नीति क्या कहती है, शत्रु को और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। विकार छोटा है ये सोच करके इसको इग्नोर नहीं करना, छोटी गलती है तो इग्नोर करें, वह गलती महारूप लेने वाली है। जो बड़ी असाध्य बीमारियां होती हैं प्रारंभिक स्तर में सब छोटी जी बीमारियां होती हैं, प्रारंभिक स्तर हो तो सुधर जाए तो तुरंत ही ठीक हो जाए, और अगर वह बृहद रूप ले ले तो असाध्य में पहुंच जाती। ऐसे ही ये जो अब्रह्म का परिणाम है ये असाध्य बीमारी है। यदि ये एक बार जीवन में प्रवेश कर गई और जीवन विकार रूप हो गया तो इससे निकलना बहुत कठिन है। क्या निकलना कठिन है, आप विचार करो, वही प्रसंग वापस विचार करो, रावण का जीव क्या धार्मिक नहीं था,
स्वाध्यायी नहीं था, तत्व चिंतक नहीं था, व्रती अभ्यासी नहीं था, कि सब था लेकिन वो एक विषय संबंधी राग ने उनके सब सद्गुणों को हिरास कर दिया। क्या कह रहे हैं, सारे सद्गुणों पे आच्छादन कर दिया। था तो एक विकार, और वो विकार भी जबकि नियमों में बंधा हुआ था। क्या कह रहे हैं, अनियंत्रित नहीं था रावण का वो विकार, नियंत्रित था। कैसा नियंत्रित था, कि उसने समोशरण में जाकर के प्रतिज्ञा अंगीकार की थी, जो परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलपूर्वक उसे नहीं अंगीकार करूंगा। क्या कह रहे हैं, उसके साथ बल जोरी का व्यवहार नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा अंगीकार की थी। इतने नियम में बंधा होने पर भी और उस नियम का पालन करने पर भी उतना सा जो राग की धारा, ऐसा आता है जिनवाणी में, रावण चाहता क्या था मालूम, क्या चाहता था रावण, सिर्फ ये चाहता था कि सीता की जो परिणति अभी राम की तरफ झुकती है वो मेरी तरफ भी झुक जाए। क्या कह रहे हैं, जैसे उसकी तरफ झुकती है ऐसी मेरी तरफ झुक जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपना पूरा कहना चाहिए वैभव छोड़ने तैयार उसके लिए। यानी विकार के बल पे यह जीव अपने अनंत भाव को भी बर्बाद कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये एक छोटे से विकार के। इसलिए तो इसको व्यसन कहा गया। व्यसन किसको कहते हैं, व्यसन की परिभाषा पता है, व्यसन किसको कहते हैं प्रांजल भाई, व्यसन किसको कहते हैं, कोई बताएगा व्यसन की परिभाषा, जो पाठशाला के भाग में लिखी हुई। नीलेश जी आपके घर से, हाँ बेटियों को मालूम है, पाठशाला पढ़े होते होंगे बच्चे तो उनको पता होगा। हाँ तो उठाइए पहले, फिर मैं पूछता हूँ किसी से, व्यसन की परिभाषा क्या है। चलिए ये भाई साहब बताएंगे, हमारे यहाँ सलोनी जैन के नाम से जो जुड़े हुए हैं ना आईडी से, हाँ बताइए, आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ, बुराइयां या बुरी वस्तुओं से जुड़ी हुई चीजें व्यसन है। ठीक है, ये एक सामान्य व्याख्या के तौर पे आपने सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको उस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो वास्तव में परिभाषा रूप में आई है, बहुत अच्छी और सटीक परिभाषा है। और कोई प्रयास करेगा, व्यसन किसे कहा, व्यसन। हाँ नीले जी बताइए। कोई भी आदत जब वो आसक्ति में बदल जाती है तो वो व्यसन हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा। किसी भी विषय की आदत या लत को व्यसन कहा जाता है। किसी भी एनी बडी, क्या कह रहे हैं, किसी भी व्यसन का मतलब बुरा परिणाम, बुरे कार्य की आदत को नहीं, किसी भी विषय की आदत को व्यसन कहा जाता है। समंत भद्र स्वामी ने भी व्यसन की बात कही, हे जिनेन्द्र भगवान मुझे आपकी भक्ति का व्यसन लग गया है। क्या कहा, समंत भद्राचार्य ने भी कहा मुझे आपकी भक्ति का व्यसन लग गया। ऐसे किसी भी विषय की आदत लग जाए उसको व्यसन कहा जाता है। अब ये समझना, किसी भी विषय की आदत लगने का मतलब जो भी संसार वर्धन विकार का कारण, पाप के संचय का कारण हो, ऐसे किसी भी विषय का आकर्षण होना, इसको विकार की श्रेणी में, व्यसन की श्रेणी में रखा गया। हाँ, छोटी छोटी चीजों की आदत हो जाए, छोटी छोटी चीज आदत। कैसी, कुछ लोगों को, एक डॉक्टर साहब हैं मैंने देखा, उनकी आदत है ऐसे नाक पे बार बार हाथ फेरते हैं, मतलब बाहर के हैं, आदत है। उनसे पूछा कि कोई तकलीफ होती है, नहीं, बोले हैबिट पड़ गई मेरी, बचपन से ही हैबिट पड़ गई है। किसी को चाय का व्यसन लग जाए तो चाय की लत लग जाती है। किसी को कपड़े बदलने का व्यसन लग जाए, जो दिन में 6 बार कपड़े बदले। किसी को दर्पण देखने की आदत लग जाए, किसी को सर पे हाथ फेरने की आदत लग जाए, काय पे से कैसा दिख रहा हूँ पता नहीं। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वाध्याय सभा में भी जैसे स्पॉटलाइट पे गया तो उसको पहला ध्यान गया कि अरे मेरा चेहरा ठीक है कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो व्यसन पड़ जाता है किसी भी विषय की आदत। इसलिए यहाँ कहा, रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना, छोटे में ही उसका समाधान कर देना। सांप के जो सपोले होते हैं ना, सपोले मतलब छोटे छोटे बच्चे, इनको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये छोटे हैं लेकिन हैं तो किसकी संतान, इनके पिताजी और दादाजी कौन है, ये सब जहरीले खानदान के हैं,
इसलिए इनसे भी संभल करके रहना। क्या कह रहे हैं, इनमें भी डसने की आदत होती है। टोडामल जी साहब ने तो इसके लिए बहुत सुंदर शब्द जो प्रयोग किया, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। क्या शब्द प्रयोग किया, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा। छोटे समय छोटा मिथ्यात्व भी होगा, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी होगा, तो वह अनंत संसार का ही कारण बनेगा। आइए, दो मिनट का टाइम और है, एक पॉइंट और लेते हैं, इसके बाद में विराम लेंगे। 114वें नंबर का पॉइंट है, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हुए फोटो खिंचवाकर एल्बम नहीं बनावे, अपना आकर्षक चित्र ना तो घर पर लगाएं, ना वितरण करें, ना पुस्तकों में छपवाएं। देखो पंडित साहब इसकी प्रेरणा दे रहे हैं, वो स्वयं इस विषय पे बहुत निषेध भी करते हैं। आपने देखा होगा एक लंबा समय तो ऐसा था कि पंडित जी के आपको फोटो वीडियो तो कभी सुनने और देखने नहीं मिलते थे, वो निषेध कर देते थे कि नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं करना ना सुनना। बाद में बहुत सामाजिक आग्रह के कारण यद्यपि ये व्यवस्था बन गई, वो अलग बात है, वीडियो का तो आज भी वह निषेध करते, फोटो नहीं खींचने देते, बनाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ना जाने लोग कहाँ कैसा किसका उपयोग करेंगे। और होता भी है, आज वर्तमान में ऐसे कुछ मुद्दे बीच में उठ के आ गए थे जो समाज में चर्चा का विषय बन गए कि पंडित जी इनके साथ कैसे बैठे हैं, इनके साथ में क्यों खड़े हैं, उनके साथ बैठे हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते, समझदार समझ सकते हैं इन बातों को क्या। इसीलिए टोटली निषेध, फोटो खींचना ही नहीं, फोटो होना ही नहीं। और मैं आप तो एक बात कहता हूँ, फोटो देख करके किस चीज का पोषण होता है, हाँ? क्यों साहब, एक फोटो अपनी ऐसी देखें जिसमें पूरे बाल थे, बहुत बढ़िया सजे हुए थे, और अब पूरा उजड़ा चमन है, तो ये देख करके मन में कैसा फील आएगा, ये हमारी फोटो थी, एक दिन हम ऐसे दिखते थे, क्या कह रहे हैं। तो आज भी भोगे जो भोग पहले उसका ना होवे सुमरण, जो भोग चुके हैं वही विकल्प चल रहा, तो अभी भोगों से हटने का परिणाम हो रहा है कि भोगों की आसक्ति बढ़ रही, आयु घट रही और भोगों की आसक्ति बढ़ रही, हाँ, बाल वृद्धावस्था हो रही है, बाल सफेद होने लगे हैं, तो इस बात का संकेत है कि अब आयु घट रही है, हैं? अब तो धवल परिणामी बनो, धवल वर्णों का धवल पाना परिणामों की धवलता का सूचक होना चाहिए, कि ना कि डाई लगा के वो भी काले करो, परिणाम तो काले हैं ही पहले से, हाँ। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे चित्रादियों का संग्रह नहीं करना जिनको देख देख के राग का पोषण हो। अपने घरों में भी अपने चित्र लोग दिखाते हैं ना, ये देखो साहब ये हमारे चित्र, ये हमारे, ऐसी फोटो बनवा लेंगे, और मेरा तो अब क्या करूं, व्यापार ही मेरा उससे संबंधित है, लोग तो आते ही हैं मेरे पास उसी काम के लिए। ऐसी चित्र बना देना, ये यहाँ का दाग मिटवा दोगे आप, ये यहाँ का स्पॉट खत्म, हाँ, यहाँ बना तो तुम, हम तुमको बिल्कुल बहुत सुंदर देंगे, लेकिन तुम नहीं रहने वाले, पक्की समझ लिए। क्या कह रहे हैं, वो तुम्हारी फोटो नहीं होगी जो जिसको हम तुम बनवा के ले जा रहे हो, तुम देख देख के अपना पोषण ही करने वाले, वो कुछ नहीं होने वाले। आपको आश्चर्य की बात तो नहीं, पर जिस घर में जो व्यवस्थाएं होती वहां पे कहो तो प्रमाद भी कह सकते हैं। मेरे घर में मेरे परिवारजनों की एक साथ की एक भी फोटो नहीं, लगभग लाखों हजारों की संख्या में लोगों की फोटो बन के जा चुकी होगी घर से, और मेरे परिवार के सदस्यों की सबकी एक साथ कोई सामूहिक फोटो, कई बार कितने ही लोगों ने बोला मेरे विवाह के एल्बम नहीं है। क्या कह रहे हैं, जबकि हमारा उससे संबंधित कार्य था, लेकिन विवाह का एल्बम नहीं था। मेरे परिजनों ने बोले इतनी कंजूसी क्या काम की, एक बना तो लेना चाहिए, हाँ? आप विचार तो करके देखो, धर्म दृष्टिकोण से जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो परिणाम पहले किया था वह परिणाम कमजोरी वश था, उसको हम जितना सुधार सकें, जितना सावधानी से उसमें संशोधन कर सकें और जीवन को उत्तरोत्तर उत्थान की दिशा में ले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। वनस्पति की उसी विकार के पोषण में ही अपना समय लगाए। हाँ, किसी ने मैसेज किया है बनवा लेना पंडित जी। चलिए, अपना आकर्षक चित्र ना तो घर पे लगाएं, ना वितरण करें, ना पुस्तकों में छपाएं। देखो ये आखिरी पॉइंट बहुत अच्छा है, पुस्तकों में इसलिए नहीं प्रकाशित करना, बहुतायत लोगों को ये भी राग होता है जिनवाणी की पुस्तक में अपना नाम या अपना फोटो लगा दें। अब आप विचार करना, जिनवाणी देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आती है, अब वो शास्त्र के रूप में कहीं वेदी पे विराजमान है, अलमारी में रखी है, और लोग उसको नमस्कार भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो क्या हमारी पद और भूमिका उस जिनवाणी के समकक्ष है कि हम उसमें अपना चित्र पेस्टित कराएं? क्या
एक गुप्त दान करने का भाव सबसे अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है गुप्त दान के साथ साथ त्याग पूर्वक दान करो ना, विकल्प ही क्यों रखना कि ये मैंने किया था, ये स्मरण क्यों कराना, ये इतने नाम हमने दिए इतने दिए। हाँ देखो, पुराने कवियों ने अपने भजन भक्ति भी लिखी ना, उनके बहुतायत नाम जरूर है उसमें, लेकिन उनकी जब भी पंक्तियां आप पढ़ोगे वह पंक्ति आत्म संबोधन वाली, प्रसिद्धि वाली नहीं। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे। कौन बोल रहा है? दौलत राम जी। दौलत राम जी को खुद को समझा रहे हैं, इसके लिए दौल शब्द नहीं डाला कि दुनिया को पता लगे छह डाला दौलत राम जी ने लिखी है, इसके लिए नहीं। ऐसो आनंद बुद्धजन के हित, यानी बुद्धजन कवि लिख रहे हैं कि बुद्धजन को ऐसा आनंद आया जिनवाणी की भक्ति की कि ऐसा किसी को नहीं आया होगा। तो ये अपने आनंद का अनुभव करने के लिए, और ईमानदारी से समझना पहले के कवियों ने जो भक्ति लिखी है वो आत्मरस से डूबी हुई है, अपने लिए लिखी हुई है, स्वांत सुखाय भक्तियां हैं उनकी। आप एकांत में बैठ के भी पढ़ोगे तो बहुत आनंद आने वाला है। क्या इसलिए यहाँ कह रहे लोकेशणा से बचने के लिए, इन प्रसंगों से बचना कि पुस्तकों में फोटो भी नहीं चिपकाना, ना लगाना, ना प्रकाशित करना, और ना ही अपने घरों में भी बहुत ऐसे चित्र आदि लगाना जो राग वर्धन का कारण बन सके। विशेष चर्चा कल करेंगे। आइए हम सभी अभी भक्ति की धारा में जुड़ते हैं। यद्यपि आज भी नाम मुझे अभी तक आया नहीं था, इसलिए किसी की तैयारी हो तो वो अपना हाथ उठाए, हम उनके माध्यम से भक्ति का लाभ लें। अच्छा, आज हैदराबाद वाले बच्चे गाएंगे। हाँ चलो ठीक है, यानी को मौका देते हैं हैदराबाद वाले बच्चों ने। अच्छा एक मिनट बेटा, कनक जी बदावत, आपको साहब कल मौका देंगे, आमंत्रण करता परिवार हो ना आप लोग कल। हाँ हाँ कल आपका मौका है पक्का, आज थोड़ा बच्चों को बोल दिया है तो बच्चों का उत्साह बना रहे इसलिए उनको अवसर देते हैं। हाँ बेटा चालू करना आप, एक मिनट रुको मैं जरा अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ बेटा एक मिनट, आप एक मिनट पास माइक लाओ, जो बोल रहा है ना मेन माइक पास में लाओ, और वहां के बाकी के मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, उसे एक का माइक चालू करो। हाँ अब बोलिए। हाँ चालू करो। अंत के समय में तुमको न भूल जाओ, शत्रु अगर हुई हो संतोष तो उसको करो, समता का भाव कर सबसे समा कराओ, तुमसे दुर्जान को बगाओ, आत्म स्वरूप परिवार मित्र स्वामी भावनाए भाव के
समय में तुमको ना भूल जाओ। बहुत ही सुंदर, बच्चों को भक्ति के लिए हमने आमंत्रित किया पर उन्होंने समाधि की भक्ति ली और वो भी उत्साह के साथ जो बच्चों में होता है, और उन्हें याद भी थी और इतनी तैयार थी, अभी नारा भी उनसे बुलवाया था, दो एकम दो दो दुनी चार, मोक्ष के लिए सदा तैयार। तो वास्तव में जिसके समाधि भावना की अनुमोदना हो वह मुक्ति के लिए सदैव तैयार ही होता है। आइए हम सभी इन बच्चों की इस भावना के साथ जुड़ते हुए भाव प्रतिक्रमण करेंगे और उसके उपरांत कल की तीर्थ वंदना की जानकारी के साथ हम फिर जिनवाणी स्तुति के लिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक मिनट थोड़ा सा रखते हैं। आज हमारे जो आमंत्रण करता थे सुबह विजय भाई, अच्छा विजय भाई का मुझे मैसेज मैं देख नहीं पाया था, आपका मैसेज था जी, क्षमा करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, आमंत्रण करता परिवार से हम भक्ति सुनते ही हैं। विजय भाई आपका माइक अनम्यूट करिएगा जरा। सुबह आपने पूजन कराई, बहुत आनंद आया और हमारे सुबह मैंने याद कराया था, मैं हाथरसवासी, पंडित दौलतराम जी भी हाथरसवासी, उन्हीं का भजन मैं सुनाना चाहूंगा, बहुत अच्छा भजन है, जिनवाणी का है। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। एक शब्द आया सुमति, मेरे पिताश्री का नाम सुमति चंद जैन था। आगे हाँ, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुस तुस मैल पगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। ये हकीकत बात है, जिनेंद्र वाणी जिन वाणी सुनने से हमारी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता दूर हो जाती है। और दौलतराम जी कहते हैं, शादवाद धुनि निर्मल जलते, शादवाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई समभाव लगी, विमल भई समभाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, सुन बैन सुनत मोरी भूल भगी। जिनवाणी सुने से क्या क्या फायदा होता है, अरे संशय मोह भरमता विघटी, संशय मोह भरमता विघटी, प्रकृति आत्म सोंज सगी, प्रकृति आत्म सोंज सगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। आगे मेरे दादाजी दौलतराम जी, दौले अपूरव मंगल पायो,
दौल अपूरव मंगल पायो शिव सुख लेन हौस उमगी शिव सुख लेन हौस उमगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। धन्यवाद पंडित साहब, आपने मुझे भक्ति करने का चांस दिया। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, उत्साह में युवापन पूरा स्पष्ट झलकता है और पर्याय दृष्टि तो है ही नहीं। सुबह सोदर इंद्र की तरह पूजन के लिए बैठे थे और कल्याणक होते होते तब कल्याणक प्रसंग में सहज आपको ऐसा भक्ति भाव आया था, सब वस्त्र आभूषण जो हैं वो सब त्याग के और निर्गंत भावना की अनुमोदना आपने की। आपके यहाँ बहुत सुंदर बच्चों की पाठशाला चलती है और लगभग जो दादर के आसपास में है बस, मतलब निकट में जो नगरियां हैं वहां से बहुत सारे बच्चे आते हैं। मेरी कल जब बात आपसे हुई तो बहुत अच्छी बात है, पूरा घर जो है आपने इसी कार्य के लिए आप प्रयोग करते हैं। लगभग घर में तो सीमित सदस्य ही हैं लेकिन पूरी माँ जनवाणी बहुत सारा संग्रह कर रखा है बच्चों के लिए, उन्हें पढ़ने को व्यवस्था लगती है तो ये सारी चीजें, और जो बेसिक दादर ग्रुप के अनेक साधन भी हमारे साथ जुड़ते हैं आप सब के, समझ लीजिए नेतृत्व हमें विजय भाई का ही नेतृत्व हम कहें तो, सभी लोग जब आपके यहाँ नेता इतना युवा और उत्साही हो तो उनके साथ के जो संघ दल होंगे वो निश्चित ही उत्साही होते होंगे। मैं आपके इस उत्साह की और हाथरस नगरी से आप जहाँ हैं, दौलत राम जी साहब का शासनी में जहाँ जन्म हुआ था, हाथरस और शासनी बिल्कुल नज़दीक में, वहाँ से आपने उन दौलत राम जी का आज स्मरण किया। आइए हम सभी आगे की ओर चलेंगे और बच्चों से जिनवाणी स्थिति के पहले भाव प्रतिक्रमण का अपन पहले पाठ करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए आज का जो हमारा ये दिवस है, ब्रह्मचर्य की आराधना करते हुए सुबह से पूजन में थे, आज बालकों पे और बच्चों पे ही समर्पित है और हमारे अभी विजय भाई ने भी उसी युवा उत्साह के साथ कि बिल्कुल आपके ही जो ग्रुप के बहुत से लोगों ने ऐसा मैसेज किया कि हमने विजय अंकल की जो आज भक्ति सुनी तो हमको बहुत उत्साह का संचार हुआ, निश्चित ही। आइए हम आज एक पुनः छोटे बच्चों की तरफ जुड़ते हैं, कृषा और द्रव्या जो कि हंडावत परिवार की छोटी बालिकाएं हैं, पूरे सुबह और शाम हर कार्यक्रम में बिल्कुल समय पे दोनों बच्चियां दिखती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिनवाणी स्तुति के लिए। जय जिनेन्द्र सभी को, जिनवाणी स्तुति नित्य जमनाश विको ज्ञान प्रकाश विको आपा परपास विको बानुसी बाबानी है चो द्रव्य जान विको बदरी निर्वाण विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभव दारे को जीवे जताए को कहूना सताए को भव्य उराई है जहां तहां को पारे उतार वे को सुख विस्तार
जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बहुत सुंदर, छोटी छोटी बालिकाओं ने इतनी सुंदर प्रस्तुति, तैयारी भी रहती इन लोगों की और ये हमेशा ही तैयार रहती हैं। जब भी अपन ने देखा जिनवाणी विराजमान भी यही करती हैं अपने घर में और लेके भी जाती हैं, और बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति। इसके पहले भी जब इन दोनों बच्चियों ने प्रस्तुति दी थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी। निश्चित ही मैं एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा, मैंने इन बच्चों के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की थी लेकिन अपने काम में मैं लेट हो गया हूँ, जो मैं बहुत एक दो दिन में शीघ्र ही ये बच्चों तक जो उनके पुरस्कार प्रेषित होना उसकी व्यवस्था तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। आइए हम सभी इस तरह से जो हमारी मंगलमय आराधना चलती है इसके साथ में कार्योत्सर्ग करते हुए कल सुबह जो हमारी मंगलकारी तीर्थ वंदना 153वीं तीर्थ वंदना के क्रम में हम और आप सब कल पहुंच रहे हैं राजस्थान के ही एक और नए नगर में, नए क्षेत्र पे, जो कि है जिसका नाम है मौजमाबाद और फुलेरा। ये दो ग्राम हैं मौजमाबाद और फुलेरा, जो कि जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर हैं, साथ ही साथ में इसमें भौरे पे, जैसा कि अपने मध्य प्रदेश में और आपने देखा था हमारे बुंदेलखंड में जो भौरे की परंपरा है, मतलब भूमिगत मंदिर होते हैं जमीन के नीचे, ऐसे यहाँ पर एक ही मंदिर के अंदर तीन भौरे हैं जहाँ पर बहुत संख्या में प्राचीन प्रतिमाएं, वीतरागी भगवंतों की प्रतिमाएं हैं और मूल नायक तो आदिनाथ भगवान हैं, साथ ही साथ यहाँ पद्म प्रभु भगवान भी विराजते हैं। और जब मुगल काल हुआ था, यानी इतिहास तथ्यों की तरफ से देखें तो मुगल काल में इस मंदिरों पर उन लोगों ने बहुत आक्रमण आदि करने का प्रयास किया था, लेकिन ये कहा जाए कि इस क्षेत्र का अतिशय कहें, भव्यता कहें, कि ये मंदिर आज भी सुरक्षित हैं और हम सभी को कल प्रातःकाल वहाँ के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। कल हमारे साथ उदयपुर के अनेक परिवार साथ में जुड़ेंगे, जिनके एक साथ 5-7 परिवार हमारे हैं जिनकी मंगल भावनाओं से कल हम सभी सुबह प्रातःकालीन तीर्थ वंदना के लिए चलेंगे। आइए अभी हम सभी इडमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक कायसर करते हैं। बच्चों के दादी जी आज ये जो बच्चे गाए हाँ, आइए इडमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। ये तो सिंगोड़ी वाले बच्चे इस तरह से हमारी जो मंगल आराधना ब्रह्मचर्य निर्देशिका और समय सार कलश के साथ साथ मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में चल रही है। निश्चित ही हमारी ये धारा आत्म कल्याण की भावना के सफलता के साथ पूर्ण होगी। इस भावना के साथ हम सभी अपने पुरुषार्थ को आत्मोन्मुख करते हुए और आत्म कल्याण की भावना से जुड़े रहें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। ओहो आज लाइव ही नहीं था।